नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है? अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, यह सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है? दोस्तों, कोई भी इंसान अपने मन को दुखी तो नहीं रखना चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है तो इसमें दो चीज निकल के सामने आती हैं। या तो वो महापुरुष गलत है जिन्होंने यह बात बोली कि मन से हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें मैं आपको कोई ऐसा मंत्र देने वाला हूं, उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन की शक्ति से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे जाता है। यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप 100% इस विधि का लाभ उठना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के परिणाम नुकसानदायक और निष्फल होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था। वह जो भी काम करता, उस बेचारे को कोई भी काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दुखों से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा। दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से और रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए, जिस बात से प्रतीत होता था कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने की भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा। पता था वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी साधु के पास जाओ, साधु के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई साधु ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसी भी साधु के बारे में पता चलता तो वह उस साधु के पास पहुंच जाता है। उस साधु को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता है और कहता कि साधु बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। साधु बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते करने के लिए, और बदले में अपनी दक्षिणा ले लेते कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी साधु बाबा उसे टोना टोटका देता था, वह बदले में उसे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो, हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी,
घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधानों से मंत्र उच्चारण करो और हवन करो जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन भी करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से किसी साधु बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वह उसकी आंखों के नीचे आने वाले घेरे देखते ही समझ गया कि आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो। उस आदमी ने कहा कि बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपने हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वह कम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा। पता, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वह दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला, मैं जो तुमसे करने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है। बाबा ने कहा, उसे पूरा कर पाओगे। व्यक्ति बोला, बाबा आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या। बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बांव के मंत्र किए हैं तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में शेर के विचार नहीं आने चाहिए, शेर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो हुई यह मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक शेर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा। आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में ही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, इसके अलावा शेर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल दिया।
वो अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक शेर का ख्याल आ गया। शेर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे शेर का कोई विचार नहीं आया, ये आज शेर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस शेर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो शेर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से सामने एक शेर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से शेर का विचार उठ गया और वह अपने अंदर से विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह शेर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने शेर ही दिखाई दे रहा था। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे शेरनी, मुझे खाने में शेर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवारों में सर मरने लगा कि आज तक मुझे शेर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह शेर ही शेर नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है। यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे शेर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि शेर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह शेर ही शेर नजर आ रहे हैं। उसे आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ शेर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। शेर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं रास्ते पर यह शेर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह शेर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख दें। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भगाना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रवेश हो जाती है, वह हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही गहरी हमारे मन में बैठते चले जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूं, सुखी हूं, हमारे होंठ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समय होते हैं, हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं, इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उसे आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो, जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाई बैठे रहेंगे, और जिस दिन तुम दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे उसी दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए मैं उसे चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उसे चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है, इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं कर रहे हैं? असल में हम उसे चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उसे चीज को बहुत ज्यादा नियत दे रहे हैं। जब भी हम उसे चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उसे चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उसे चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उसे चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है,
और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उससे अपने अंतर्मन में दल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो और किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।